उत्तर भारतीय महासंघ पालघर जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह टिंकू द्वारा नाला सुपारा ईस्ट स्थित प्रगति नगर में फ्री आई चेकअप और फ्री चश्मा वितरण का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाया। वहीं खुद अपने हाथों से आए हुए लोगों को उपेंद्र सिंह चश्मा पहनाते नजर आए। आपको बता दें, उपेंद्र सिंह टिंकू लॉकडाउन से ही नाला सुपारा की जरूरतमंद जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं आगामी महानगर पालिका चुनाव में नाला सुपारा वार्ड नंबर 39 से भावी उम्मीदवार भी हैं उपेंद्र सिंह टिंकू। मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यहाँ की जनता को मैडम ज़रूरत तो बहुत है। यहाँ पे जनता काफ़ी दूर दूर जाती है अपना आँख का चेकअप के लिए सब उस, तो हमारी टीम और मैं हिंदू युवा वाहिनी की पूरी टीम यहाँ इकट्ठा हुई कार्यालय पे और हम लोगों ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन का फ्री चेकअप और आँख का चेकअप और शरीर का बॉडी का भी जो नॉर्मल चेकअप रहता है वो सब वाला भी इस कोरोना काल में पब्लिक यहाँ वहाँ जा नहीं सकती, हर किसी को डर लगा रहता है। तो मैं बोला हम लोग अपने हिसाब से अपने संस्था के हिसाब से अपने कार्यालय पे ये प्रोग्राम मिल के सबसे बातचीत करके सबसे रखा गया है। उस समय मैडम मैं बीच में था, लोगों की परेशानियां देखा तो मैं जितना हो सका अपने से मैं अनाज वितरण किया और जो सरकार के तरफ से खिचड़ी और खिचड़े का व्यवस्था हुआ था मैं अपने हाथों से लेके गली गली बिल्डिंग बिल्डिंग घूम घूम के सबको दिया और हमारी टीम हमारे साथ हमेशा खड़ी रही। हमें कभी भय नहीं हुआ कि कोरोना हमें हो जाएगा। ये जी हमारी टीम ऐसी है कि मैडम अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो हमारी टीम ऐसा है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ बंदे हैं कि जो आधे घंटे एक घंटे में इतना प्रचार कर देते हैं, जनता के कानों तक जनता से मिलते हैं। और हमारे अखिलेश भाई और विकास यादव जी, अमित सिंह जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। हम लोगों का दो दिन पहले ये डिसाइड हुआ, दो दिन में इतना ये लोग प्रचार कर दिए कि यहाँ पे 250 तक पब्लिक आई है अभी तक। जी जी, मैं तो मैडम सोचा था कम से कम 500 तक आएंगे लेकिन अभी 250 तक आए हैं। जी अगर आज कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट दूसरे दिन करेंगे। एक बार नहीं, ये मेडिकल कैंप हमेशा चलता ही रहेगा। यहाँ पूरा नाला सुपारा के लिए 39, ये जरूरी नहीं कि 39 का ही आदमी आके यहाँ चेकअप कराए। जहाँ जिसको खबर मिल रही है वो यहाँ आ सकता है, अपना यहाँ फ्री चेकअप करवा सकता है। ये सारे ऐसे लोग यहाँ पर नेता बन के जो घूम रहे थे, जिन्होंने सिर्फ पट्टा बांध के पार्टी का घूमा है पर उन्होंने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है, पर उस जगह हमारे डिंकू सिंह जो कि हमारे अभी वार्ड क्रमांक 39 के भावी नगर सिंह ने अभी जो कहा था कि हमें अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना है, वी हैव टू बी हेल्थ कॉन्शियस, सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिंकू सिंह जी से हमने आग्रह किया कि आप एक काम करिए, एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम सारे संगठन मिलके। तो उस बेस पे हमने इस मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर अभी अब तक में 200 से 300 लोगों ने इसका लाभ लिया है और 200 और भी आने वाले हैं कि 200-250 लोगों को लाभ मिला है मेडिकल चेकअप से। बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आँखों के अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें चश्मे की ज़रूरत है, जो इसके लिए पे नहीं कर पाते थे, डिंकू भैया की तरफ से उनके चश्मे का भी पैसा पे किया गया है। यानी इस तरीके से ये लगता है कि अगर कोई गरीब जनता असहाय है, अगर वो डिंकू भैया के पास आते तो डिंकू भैया का पूरे अपने तरीके से मदद करते हैं उनके। यहाँ पे जनता के लिए कोई भी नेता काम नहीं करते हैं। हमने डिंकू भैया को आज 15 साल से मैं नाला सुपारा में रहता हूँ, ये देखता हूँ डिंकू भैया कोई भी किसी की ज़रूरत कहीं भी रहती है, ये नहीं कि इनको वार्ड 39 से इलेक्शन लड़ना है तो 39 के लोगों को ही देखें, इनको वसई तालुका से लेके यहाँ से लेते कहीं से भी कोई आधी रात को फ़ोन कर दे तो डिंकू भैया वहाँ हाजिर रहते हैं, सबके सुख दुख में हमेशा सहयोग देते हैं, पूरा समय बिताते हैं, पूरा टाइम देते हैं।
और हम लोगों का पूरा सपोर्ट है कि 39 से डिंकू भैया को हम लोगों ने जबरदस्ती खड़ा किया इलेक्शन में कि खड़े होइए, नगर सेवक बनिए। उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं कि जो बिना नेता बने, बिना जो है अपने गले पे पट्टा डाले, ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने डिंकू भैया को पूरा हम लोग का सहयोग दिया है। और डिंकू भैया बहुत एक अच्छे इंसान है, ऐसे कैंप तो बहुत हर अलग अलग वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। कोरोना में भी घूम घूम के जबरदस्ती हम लोग को ले लिया, हम लोग डरते थे कि कोरोना हो जाएगा, लेकिन बोले नहीं कुछ नहीं, पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग गली गली में चावल खिचड़ी राशन जैसा जो जिसको हो सका, पैसा किसी को गांव जाने का बंदोबस्त नहीं था, टिकट का किसी को बस का किराया जैसा जो हुआ वो मुहैया कराया डिंकू भाई ने और हमारे डिंकू। लेकिन वो सत्ता वाले धरी कुछ काम नहीं करते, जो भी आता है वो अपना पहले घर भरते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने से जो जुड़े हैं उनके सगे संबंधी वो ब्लड रिलेशन देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि जनता यहाँ मर रही है, प्यासी है, पानी नहीं है, कि बिल्डिंग चौल बना के कोई चला गया है, उनको मिला है कि नहीं मिला है, जमीन किसने खरीदा। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये समस्या का निवारण एक बार तख्ता पलट करना होगा, उसके बाद ही होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।